और पान क्या वो स्वर्ग आया होगा। ये बात को क्या किया था खाता है। इसलिए प्रार्थना करने के टाइम अब किसी प्रकार करना है, विश्वास के साथ करना है। पढ़ो उसके साथ वो भी 4:18। उसने निराश में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। इतने पढ़ते जा। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविनाशी होकर अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया और विश्वास। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रह कर पिता और कंटिन्यू प्रार्थना का हमें देकर आ रहा है। आज भी हमारे पिता प्रभा लोया और सीखने के लिए आ रहा है आत्मा परमेश्वर। हमको जितने जरूरत है आप समझते परमेश्वर, हमारे सबको मन जानने वाले परमेश्वर हमारे लिए अब और भी वचन खोल कर दे। वो जितना जरूरत है उतना सर हमको बात कर दे पवित्र आत्मा परमेश्वर। हमें प्रभा आपने इकट्ठा किया है, हमें सब जान जा है, उसी अनुसार हमारे लिए प्रभु वेद खोल कर दे समझने के लिए बोलते सारे कार्य आपका हाथ हम लोग सुन देते। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते आमेन। बोलो रोमी 4:18-19। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया था कि इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। ठीक है बस, क्या किया था जिधर एक जन विश्वास कर रहे तो क्या कर अब्राहम इसके क्या किया था परमेश्वर प्रतिज्ञा दिया था ताकि तुम्हारे लिए क्या किया जाए एक संदान देगा। लेकिन 100 उम्र 99 पूरा हो गया है, 100 उम्र में वो क्या किया है विश्वास से निर्बल नहीं रहा। क्यों निर्बल नहीं रहा? वो क्या नहीं देखा था क्या बोलो आश्रय आप पीछे पढ़ के देखिएगा उत्पत्ति में सारा आश्रय और क्या बूढ़ा हो गया बूढ़ी हो गया अभी हमारे लिए कुछ सुख आएगा क्या? हमारे उम्र क्या है, हमारे सिचुएशन क्या है, हमारे शरीर क्या हो गया, हमारे शरीर क्या हो गया मर गया, जो भी संभावना था सारे संभावना भी क्या हो गया है, सिचुएशन भी क्या खत्म हो गया है। अभी क्या बोलते हैं परमेश्वर स्वर्गदूत बेच के तुम्हारे लिए एक संतान होगा। फिर भी क्या किया था वचन इधर बता रहा है अब्राहम बिना संदेह से और विश्वास में निर्बल ना होते हुए क्या क्या है विश्वास किया क्या क्या है मिलेगा। इसलिए याद रखो यहाँ कि हम जो प्रार्थना करने वाले चीज परमेश्वर से मांगा हुआ चीज मिलने के लिए हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं रहेगा, वातावरण पूरा खत्म हुआ रहेगा, उम्र खत्म हुआ रहेगा, हमारा शरीर भी मरा हुआ रहेगा, फिर भी परमेश्वर क्या करेगा देगा। इसलिए प्रार्थना करने के बाद में आप अविश्वास नहीं करना, संदेह नहीं करना, समझे? आपका शरीर भी मर जाएगा तो भी परमेश्वर का बात मांगे वो क्या करेगा, उन्होंने आप विश्वास में रहेगा वो क्या करेगा जरूर देगा। आपका शरीर देख के परमेश्वर काम नहीं करता है, आपको सिचुएशन देखे परमेश्वर काम नहीं करता है, आपको उम्र देखे परमेश्वर क्या नहीं करता काम नहीं करता है। परमेश्वर क्या है हमारे विश्वास का बारे देखते हैं, विश्वास कर रहा है संदेह कर रहा है, इसमें आप दृढ़ क्या करना है विश्वास में दृढ़ता रहेगा। आप अब्राहम को जैसे क्या करेंगे 100 उम्र में भी आप क्या करेंगे आशीर्वाद क्या करेगा आएंगे और देखेंगे। और वो क्या कहता है अब्राहम वो उसका शरीर नहीं देखा, उम्र नहीं देखा, सिचुएशन नहीं देखा, किसके ओर नजर उठाकर देखा
परमेश्वर को हमारी नजर किधर रहना, समझा? बुखार आएगा तो बुखार के ऊपर नहीं रहना, किसके ऊपर नहीं रहना है? परमेश्वर के ऊपर रहना। सात गुना आग को पड़ा तो उसके नजर उधर नहीं रहना, अम्मा को किधर रहना है? वो क्या बोला, वो नहीं देखते, मेरा परमेश्वर बच्चा है ना, बच्चा है, उसको पर नजर हमको नहीं है। तो कितना भी क्या करना पड़ा, किधर रहना है? हमारा नजर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ओर पर रहेंगे। हम क्या किया है तो मांगा वो चीज हमको क्या करेगा, मिलेगा। और पढ़ो परमेश्वर, पहले समूएल एक आज अन्ना का पुत्र फटा पड़ना, पीछे का अच्छा बताई दिया, अभी थोड़ा बातें जाएगा, आप लिख रखे इसको कर देने का। इसलिए उसके पति एल्कना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना बड़ी, कितना बड़ी है, आठ वापस। इसलिए उसके पति एल्कना ने उससे कहा, हे अन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? ये कौन बोलता है? अन्ना बोलता है, एल्कना कौन है? अन्ना का पति। संडे भी पता ही दिया था ना, तब कितनी अच्छी एक पति मिला इसको। क्या बोलते हैं, तेरे से कौन बच्चे मांगता है? 10 बच्चे से भी बढ़ते क्यों खाना नहीं खाती, क्यों उदास? 10 बच्चे से भी मैं तेरे को बढ़कर नहीं है, कितनी अच्छी एक पति, क्या क्या है, है ना? मिला क्या नहीं मिला? तो वो ये क्या करती है, क्यों दुखी है? इसको बच्चा नहीं है, एल्काना को 2 पत्नी, पहले वाला को बच्चे, इसको बच्चा नहीं है। सालों साल ये लोग किया किधर आते थे, मंदिर में आते थे, इसलिए मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए क्या कर लेते, मंदिर में दान वगैरह लेकर आते थे। लेकिन जाने के टाइम उधर सब बना बिना के कहा कि जाने के टाइम उनको हर साल उसको क्या करती थी, चिढ़ाती थी, फिर रोकी बैठते थे, खाना नहीं खाती थी। तभी बोलता है, तू क्यों खाना नहीं खाती है, क्यों व्याकले, क्यों उदास है? मैं आई ना तुझे, 10 बच्चे से भी बढ़कर कौन है? 10 बच्चे से भी बढ़कर कौन है? मैं आई ना करके क्या कर रहा है, बोल रहा है। तो ये क्या करती थी, हर साल आती थी जाती थी। पति उसको क्या कर लेता था, तसल्ली देता था, जाता था, अच्छी पति मिलता था, इसके लिए जाती उसको क्या नहीं करता था, दुख नहीं था। लेकिन जितनी भी अच्छी पति मिले उसको दुख को क्या नहीं कर पाते थे, दूर नहीं कर पाते। इसलिए वो क्या किया, एक दिन ऐसा भी चलेगा तो काम नहीं चलेगा, मेरा पति अच्छा है, अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा। अभी परमेश्वर का और मैं मुड़कर प्रार्थना नहीं करा तो क्या करने वाला काम नहीं है, होने वाला। आती थी जाती थी तब तक परमेश्वर को नजर उठाकर क्या नहीं किया है, नहीं देखा। ये साल क्या देखी, एक ऐसा भी क्या करना पड़ेगा, अभी परमेश्वर को नजर उठाना। उसके बाद क्या की थी, पूरा हृदय को कुंडेली, वचन पत्र आप समय नहीं इसलिए थोड़ा पत्र इधर था पढ़ लेने का, पहले अध्याय पहले समूएल का, पूरा हृदय को क्या करता है, 12 से पढ़ो। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मनी मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो ताक मधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इसराइल का परमेश्वर
तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। अभी क्या किया, हर साल परमेश्वर को नहीं देखते थे, सब करके निकल जाती थी, पति क्या सरारा कर रहे हैं, ये साल क्या करती है, प्रार्थना करती है प्रभु बहुत टाइम, क्या करती थी, बातें करते रहा, बातें करते रहे, ये भी क्या सोचते, ये क्या के पी के आके बैठ कर इतना टाइम क्या कर रही है, बोले नहीं मैं क्या कर रहा है, बहुत दुखी हूँ मैं, क्या है, बहुत दुखी हूँ, इसलिए क्या कर रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा है। लेकिन पूरा हृदय को क्या कर दिया है, परमेश्वर समय निचोड़ा, निचोड़ कर जिधर जिधर भरोसा रखा सारे भरोसा को क्या कर दिया, खुद परमेश्वर के सम्मुख में तोड़कर एक ही भरोसा विश्वास परमेश्वर के पास रखकर हृदय को मरोड़ कर तोड़ कर क्या किया है, परमेश्वर के साथ उंडेला पास सामने उंडेला उंडेलने बात वो जाने टे कैसा बोली, कैसा गई, उदास नहीं रहा, उदास नहीं रहा, दुख का मुंह से क्या नहीं किया, नहीं गया। देखो हम भी प्रार्थना करते हैं, हम जब तक परमेश्वर को देखकर हमारे हृदय को उंडेलते नहीं ना, हमारा मुंह क्या रहेगा, उदास ही रहेगा, हमारा मन उदास ही रहेगा। आप जिसको ऊपर भी भरोसा रखेगा ना, आप उसको वो आपको नहीं चला सकता, आपको दुख का क्या नहीं कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता है, आपका पति बहुत अच्छा रह सकता है, आपका पत्नी आपको बहुत अच्छा रह सकता है, लेकिन आपको दुख को कौन चेंज नहीं कर पाएंगे, पत्नी या पति या बच्चे माँ बाप कोई भी क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं चेंज कर सकता है, तो उसको बदलने वाला कौन है, एक ही परमेश्वर। उसके सम्मुख में आपको हृदय को निचोड़ोगे, आपको हृदय को निचोड़ कर और किसको पर आप सहारा है वो छोड़कर निचोड़ोगे, तब से लेके आप क्या करेंगे, कभी आप दुख में नहीं रहेंगे, बड़े एक आनंद आपको प्रार्थना में मालूम पड़ेगा, परमेश्वर मेरे प्रार्थना क्या कर लिया है, सुन लिया, समझ गया। इसलिए आप कोई चीजों पर निर्भर नहीं रहना है, किसको पर निर्भर रहना है, कहा इसलिए बोला इधर देखिए, इसलिए पति के बारे में दस अच्छे से भी वो पति क्या है, उत्तम है, उतनी अच्छी पति मिला अन्ना को, समझे, फिर भी क्या नहीं होगा, दुख का आपसे क्या नहीं करेंगे, दुख का आपसे क्या नहीं करेगा, दुख का आपसे क्या नहीं कर पाएंगे, दूर नहीं कर पाएगा, समझे। वचन बताती है फिलिप्पी 2:17 होगा, अभी मत पढ़ना टाइम नहीं। पौलुस एपफ्रास तो बीमार हो गया था, पौलुस के साथ क्या करते थे, सेवा में बहुत बड़ा क्या था, वो बहुत बड़ा क्या था, सहायक था, लेकिन एपफ्रास तो क्या करने रहा, मरने का बीमार के द्वारा मरने के लिए आ गया, तो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो उसको बीमार ठीक हो गया, बोलता है दुखों को पर दुख आकर मैं गिर नहीं जावे, डूब नहीं जावे करके परमेश्वर मुझ पर क्या कर रहा है, तरस आया है, दया किया है, दुखों को पर दुख आसानी इंसान सबको रहता है, लेकिन दुखों को पर दुख आकर एक इंसान क्या नहीं होता, डूब वो दुख का अंदर ही मर नहीं जावे करके मेरा परमेश्वर आपको क्या करता है, हमारा प्रार्थना सुनकर हमको क्या करता है, तरस गाकर हमें उठाने वाला परमेश्वर है। कितना भी दुख आवे, दुख को ऊपर दुख, पहले प्रेरित पौलुस किया है, दुखे सेवा में उनको क्या सुखेगा उनको, ओके, और साथीदार भी अभी क्या करने वाला है, मानने वाला है, तो क्या किया है, दुख क्या ऊपर दुख, परमेश्वर क्या नहीं करता है, नहीं छोड़ता, दुख को ऊपर दुख आके हम खत्म हो जा करके क्या नहीं करता है, नहीं छोड़ता है, हमारा परमेश्वर दयालु है, ले क्या करना है, आप परमेश्वर के पास विश्वास से क्या करना है, प्रार्थना करो, जो अन्ना को उठाए परमेश्वर आपको भी क्या करेगा, हमारा दुख को भी क्या किया जाएगा, बदलने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, हमारा जितना भी दुख रहेगा किसके पास बोलेगा, किसके पास उंडेलेगा आपका मन को हृदय को, मेरा परमेश्वर के पास उंडेलेगा, परमेश्वर आपका क्या किया जाएगा, दुखों को क्या करेगा, आपको दया कर आपको उससे क्या करने वाला है, बदल कर देने वाला। इसलिए आप बहुत बातें सुसमाचार में देख सकता है, ना इन विधवा क्या किया था, पति नहीं है, लड़का भी मर गया, रो के आ रहा है, यीशु क्या बोला, लड़का को नहीं देखा, किसको देखा, और विधवा का रोने के देखे तरस खाकर लड़का को क्या कर दिया, जीवित उठाया परमेश्वर। तो हमारे दुखों का क्या कर देता है,
सुख में बदल लाना परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर है। इसलिए क्या करना है? दुख में रहेगा, अरे परमेश्वर से क्या करो, क्या करो ना प्रार्थना। हमको दुख को पर दुख आते नहीं होते, हमको संभालने कर आज हम क्या है खड़े। बाकी लोगों को देखो क्या दुख को पर दुख आगे क्या करे, डूब जाते हैं, लेकिन हमको डूबने नहीं देते हैं मेरा परमेश्वर। समझ गया? बहुत बातें आप क्या करना लेना। और पत्रस क्या किया था? पानी में चला, तभी क्या था, बहुत आंधी तूफान क्या कर रहे थे, आ रहे थे। यीशु किनारे में यीशु को बोला, हाँ मैं पानी में चलूंगा। यीशु बोला चलो। क्या किया था? वो चला तो, लेकिन थोड़ा चला और क्या करने लगे, क्यों डूबने लगा? क्या विश्वास था? संसार में विश्वास था, टाइम नहीं, इसलिए बच्चे ने भी उठा, पानी पर नहीं गया। वो पानी पर क्या थे, अभी स्टॉप गया है मल में, पानी देगा, लेकिन तभी क्या सिचुएशन क्या था, आंधी तूफान थे। आंधी तूफान के टाइम पानी कैसा नहीं रहेगा, शांत नहीं रहता है। तो तभी पूछा था, मैं क्या करूं, चल के आऊंगा, आ जा। यीशु को पर जब तक नजर था चला, आंधी तूफान का देखा, क्या करने ले, हमारा नजर किधर रखना, यीशु पर रहना। कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, कौन सिचुएशन कितना भी बिगड़ा रहना, तो आपको नजर किसके पास रहना है? हम क्या करते मल में, डूबते क्या मल में, हम कुड़कुड़ाते क्यों मल में, हमारी नजर किधर नहीं जाएगा, परमेश्वर पर नहीं जाता, किधर जाता है? अयो कितना कर्म होते जाते है, अयो ऐसी होती है, अयो अयो अयो, फिर डूबो, क्या करना है, क्या करना? यीशु हम डूब रहे हैं, आप सो रहे हो, अब क्या हो गया? वचन तो बताता है आप सोते नहीं, झुकते नहीं, डुलकी भी नहीं मारता, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सोते हुए, हम तो क्या कर रहे हैं, डूब रहे हो। ये अल्पविश्वासी क्या बोला, ये अल्पविश्वासी, मैं सोता है क्या कभी है? तुमको छोड़ता है क्या कभी, मैं साथ ही रहता, इतना बोलते है तुम, समझे? हमारा नजर किधर है ना, सिचुएशन कौन सा भी परिस्थिति बिगड़ने दे, कितना भी आपका परिस्थिति बिगड़ना दे, परिस्थिति कुछ भी हो, आपका नजर यीशु पर रखेगा, आप क्या नहीं हो जाएंगे, कभी डूबेगा नहीं, कभी डूबेगा नहीं, आपका नजर परिस्थिति पर जाएगा ना, आप क्या करोगे, डूबेगा, समझिए, परिस्थिति पर जाने क्या ही नहीं है, परिस्थिति आपके पास कौन रहता है, और कौन है आपके साथ, उधर जाना है। इतना बड़ा लिख कर दिया, पढ़ो बाइबल, कोई पढ़ता नहीं है, बाइबल पढ़ते थे ना बहुत, हम बन जाते थे। अभी क्या करने का, चार घंटा, अब ये मीटिंग से जाने के बाद आप इधर से वहां था बादशाह करके जाने का, कितना घंटा, एक दिन कितना घंटा में परमेश्वर भी उपयोग करगा, ट्रेन में जाओ, बाइबल लेके जाओ, पढ़ता जाओ, पढ़ता जाओ, हाँ कभी भी क्या करना है बता ही देता उसको भी। पत्रस क्या किया मालूम है, हाँ एक बार पत्रस क्या किया था, आगे बताइए, उसको कॉर्नेलियो के पास जाना था, बराबर ना, कॉर्नेलियो के पास जाना था, तभी वो भूखा भी था, खाना बना रहे थे, भूख भी था, खाना बनाने के पहले क्या कर दिया है, थोड़ा टाइम था, वो किधर निकल गया, प्रार्थना करने के ऊपरी क्वार्टर में, क्या क्या प्रेरित नव आती है मेरा, प्रेरित नव आती है, वो किधर चला गया था, ऊपरी क्वार्टर में चला, अभी खाना बनाने के टाइम तक क्या करे, खाली रहे, उतरा तो क्या करे, मैं प्रार्थना करे, जा गया उधर, दर्शन पा लिया, क्या पाया था, उधर रेडी हो रहा कॉर्नेलियो उसको बुलाने के लिए, इधर भेजने के लिए, उधर इधर परमेश्वर क्या बोलता है, तब तक बोला अन्य जाति पर प्रचार क्या क्या नहीं, उसको समझा क्या नहीं था, नहीं गया, तभी उतना टाइम है, खाना बनाने टाइम कितना टाइम देखे, एक घंटा पकड़ो, तो उतना टाइम में प्रार्थना करने के लिए चला गया, तो उसको क्या बोला, दर्शन मिला, ये अशुद्ध अशुद्ध वस्तु से प्राणी रेंगने वाला, चलने वाला, चार पैर का वाला, छह बजे पैर वाला, पूरा एक किसमें आए थे, एक झोंका जैसा नीचे आया, उसके अंदर भरेला था,
बोल रहा है, तू इसका आवाज आ रहा है, पत्रस इसको तुम क्या कर। हाँ बोले नहीं आशु तो कभी कहा मैं नहीं, हम कहेंगे ना, हम तो व्यवस्था पालन करना नहीं कहेंगे। तो बोला क्या करना, दो तीन बार क्या किया है, ऊपर उठाया गया आया गया, ऊपर उठाया गया आ गया, तू क्या करना है खाना है। तो प्रार्थना थोड़ा टाइम भी आपको मिलेगा पत्रस का जैसा, अब दर्शन भी पाओगे उसके कारण। तब तक यहूदी का अंदर वो सेवा था, किधर चला गया था, अन्य जाति। प्रार्थना क्या क्या काम करता है, हम क्या नहीं करते हैं, हमको प्रार्थना बोले तो क्या करते हैं, हमको सेवा का जगह भी विस्तार होना, हम क्या करना है, सेवा का जगह विस्तार होना तो क्या करना, क्या तो भी क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़े। चित्रा आप ट्रेन में जाते ना बाइबल पढ़ो ना, उसमें एक घंटा बाइबल क्या कर देगा। हमको भी एक मोबाइल मिला, अच्छा नेट पर देता 5-6 सौ का महीना, नेट के लिए भी झगड़ा होता है ना घर पे, कितना नेट क्यों भरने गया, 4 GB तुमको क्या काय के लिए, एक दिन 5 GB एक दिन काय के लिए, है ना। टाइम मिल जाएगा प्यार ऊपर उठा देते हैं टक 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 टक, ट्रेन पूरा मोबाइल ऐसा कड़े रहते हैं, पूरा मोबाइल मोबाइल पूरा किस में रहते हैं, हम कैसे बाइबल पढ़ेंगे, मोबाइल में भी बाइबल है ना, लोड कर सकते है ना, आप कितना अच्छे नहीं पढ़ सकते। आप थोड़ा सोचो आपको टाइम मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आप गाना बनाने के टाइम मोबाइल को चालू करके रखिएगा तो उसमें से गाना आता है, गाना गा सकते हैं कि नहीं गा सकते है? आप कौन सा गाना गाते हैं, हम लोग कल्ला पाटना पड़ता है, इसलिए मैं आया नहीं, प्रार्थना चला दे थोड़ा भी कर लो वो भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। हम तो मुंह नहीं खोलेंगे, हम तो कैसे, हम लता मंगेशकर तो मर गए ना, अभी अगले लता मंगेशकर बनने के लिए क्या कर रहे हैं, ओड हिलेंगे नहीं, भले हिलेंगे नहीं है, गाना गीत गाने के टाइम खुद को ये क्या करना है, भूल जाना परमेश्वर में क्या करना है, खुद को भूल कर क्या करना, गीत गा तभी ना कुछ होगा, स्तुति होगा, ये स्तुति है ना तो कर सकता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ओड हिलेंगे नहीं, कितने जन का गला पकड़ा बता, क्या पकड़ेंगे, आप तो संभाल लिए आपका गला, अब इधर भी कितने कितने जन गाना गाते हैं बता, लड़के लोग तुम लोग ऐसा नहीं रहने का, वन जाने का कुछ ना कुछ, समझ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, गाना का आपका काम चालू रहने दे, मोबाइल से गाना भी चालू रहने दे, गाना भी साथ में सीखेंगे, आपका काम भी क्या हो जाएगा। मेरे को तमिल गाना नहीं आता है, आप उधर क्या करना पड़ता है, गाना पड़ता है थोड़ा बहुत ही आता है। मेरा सवेरे से लेकर मेरे घर में क्या रहता है, मोबाइल में गाना और इधर का प्रचार क्या क्या सुनना, मेरा काम करना डेली का हो जाता है, किचन विचन पोछ के उधर खाना बनाने के टाइम ये पूरा क्या है। मेरा भाभी ऐसा की देखती है फ्री है, कभी फ्री नहीं रहता, हाथ कभी बात करे हाथ, हम क्या करते हैं, अच्छा फ्री रहते हैं, ये ताइया ये माइया आएगी ना अंकदर, हम तो काली पड़े है, 2 दिन चालू करके रखा, आपका घर में कौन आता है, देख दो कोई नहीं आएगा, ये 24 घंटा इसके घर में क्या है, डर जाते आएगा ही नहीं, दरवाजे बंद करके थोड़े टाइम बाद ताला लाट रहता है, अच्छा हो गया जा मैं फ्री, समझा। तो ये याद रखो हमको, इसलिए लगातार प्रार्थना, तभी लगातार प्रार्थना होती है, नहीं तो आपको मोबाइल आपको उसमें मोबाइल सब देखते, विश्वास बर्बाद ही है, क्या है ये मोबाइल का विश्वास क्या है, बर्बाद ही है। ऐसा काम मत करो, क्या करो, मोबाइल सब अपलोड करो, ट्रेन में जाने टाइम क्या करो, आप रिक्शा में रिक्शा का टाइम खाली रहेगा क्या करना, बाइक के क्या करो, हाँ कुड़कुड़ाने के पहले क्या करो, आज 5 बजे हुआ कुड़कुड़ाने के पहले पढ़ो ना, पढ़ो ना, आपको खाली क्यों देता टाइम परमेश्वर, आपका खाली टाइम क्यों देते, आपको लिमिट भाड़ा क्यों देते, आपको बाइबल पढ़ने के लिए, आपको प्रार्थना करने के लिए, हम क्या कर लेते हैं, क्या की आज प्रार्थना करके आए सही मिला, प्रार्थना नहीं करते तो हजार रुपये मार देते थे इसके पहले, ए जो नहीं बोलते बोला आप प्रार्थना करो पंडित जी।
फिर दूसरा दिन तो प्रार्थना ही नहीं करेगा। अच्छे ना शैतान को, आप उधर पैसा उधर फाइट उधर। परमेश्वर हमको थोड़ा लिमिट दे कि क्या बोलते, जाओ घर पे, घर पे जा, समझ रहा, घर पे जा। फिर कि क्या किया है मैं एक दिन क्या हो गया था, 9 बजे के मैं बैठ जाएगा प्रार्थना में, एक दिन 10 बज गया, कपड़ा वपड़ा धो लिया, धो के क्या करो, धो के आई ऐसी कड़ी थी ऐसी गिर गया, और पूरा एक साइड पूरा मार, मैं समझ गया 10 कितना टाइम देखते 10 बजे, अच्छा मार मिला क्या है, हाँ अभी क्या 1 घंटा प्यासी टाइम किया था मेरा 9 बजे का, मैं किधर खड़ी है कपड़ा, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अभी क्या करेगा, याद रहेगा मेरे का, अभी 10 बजे तक मैं क्या नहीं करेगा, नहीं क्यों, हमको सब सिखाते हैं परमेश्वर, क्या करता है इशारा से सिखाते, लेकिन हम क्या करते कुड़कुड़ाते हैं, समझ गया, ऐसा काम करो ना आपको 1 घंटा उसमें मिल जाएगा, बाइबल पढ़ सकते हैं, फिर साथ में छोटा नोट रखो ना, आप छोटा नोट रखो, रिक्शा करते बेटा भाड़ा आ रहा था उसको मार के करके लेते जाओ, आपको सारे साथ क्या हो जाते हैं, साथ पे क्या हो जाता है, काम हो जाता है, ये भी हो जाता, सब आप हो जाता है, 24 घंटा आपको मन कोई कड़वापन आने के चाहिए नहीं है, कोई गंदगी आएगा नहीं, अब इसमें आप क्या करोगे, बने बीसी रहेगा, बना रहेगा ना, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है ना, समझ रहे, ऐसा आप समय को क्या करना, उपयोग करो, ये समय हुआ खतरा आएगा तो वापस नहीं मिलता है, इसको उपयोग करने के काम किसका है, हमारा काम है, समझिए ना, बात समझते हैं, तो इसलिए आपको बहुत सुविधा है, आप कर सकते हैं, आप करता नहीं है, तो आओ एक वचन पढ़ो, भजन संहिता 37 37 का 4, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, पूरे करेगा, तो मन में पढ़ो, परमेश्वर के पास कैसा रहना है, सुख का मूल, सुख बोलते हो इसमें दिया मन मगेची, मग्न रहना परमेश्वर से, कैसा रहना है मग्न रहना, आपका हमारा हर एक विनंती को प्रार्थना को क्या करेगा, पूरा करेगा, परमेश्वर से कह रहा कैसा रहना है, मग्न रहना, तो वो पूरा हमारे क्या कर देगा, मनोरथों को परमेश्वर क्या कर देगा, हमारे पूरा कर, क्योंकि बाप बाकी जाते हैं, अभी आगे पढ़ लेना है, और बॉस क्या किया है, बॉस प्रार्थना किया था, आपको निकल लेना बॉस आशीर्वाद भर में, वो क्या बोला है, बॉस क्या बोला था, क्या प्रार्थना किया बॉस, क्लियर है ना, नहीं याबेस, याबेस, सॉरी सॉरी, याबेस क्या किया था, बोलो ना, बोआस कहा, मैं वो तो आप लंबा जाओ, मेरा सीमा को बढ़ाओ, मुझे आशीर्वादित कर, है ना, परमेश्वर का प्रार्थना सुना क्या नहीं सुना, सुन के वो उसको क्या कर दिया है, उसको सीमा को बढ़ा क्या क्या नहीं किया है, देखो सब कुछ परमेश्वर दे दिया आपको, आशीर्वाद बढ़ा आपके हाथ में, किसके द्वारा, प्रार्थना का द्वारा, कौन सा प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, आपका हाथ में आप क्या करना पड़ेगा, सारे चीज रखा गया, आपको आशीर्वाद चाहिए, आपको सीमा बड़ा होना है, आप जो कर आपके बच्चे अन्ना से क्या मिला था, बच्चे मिलना है, जो आप कुछ चाहिए सबका रास्ता बता कर रखा आपके हाथ में है, आप घुटने टेकेंगे, आप सब कुछ क्या करेगा, आप सब कुछ घुटने टेकेंगे तो क्या करेगा, मिल जाएगा, कोई नहीं दुख का मुंह से आगे बैठना ही नहीं, परमेश्वर से क्या करना है, महान रहना, वो सब आपको क्या कर दिया है, आपको प्रार्थना को सुनने वाला है, आपको सारे आपको प्रार्थना का जवाब क्या करने वाला है, देने वाला है, समझ गया ना, आप सबसे बड़ा चीज आप क्या करना है, प्रार्थना करना, और पढ़ो भजन संहिता 120 का 1 और 118 का 5, दोनों साथ में पढ़ो, जल्दी पढ़ो, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया, और एक बार सब निकला, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, सकेत में
सकेती में हाँ मुश्किल में निरकतिल हाँ परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया और अठारह कभी पांच एक सौ अठारह कभी पांच संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली हाँ निरकतिले परमेश्वर के पास आप सकेती ना समय समय पर आपको मुश्किलों पर परमेश्वर को बुलाने के समय परमेश्वर आपके क्या कर लेता है सुनता है। देखो दाऊद राजा कितने बड़ा राजा वो भी क्या बोलता है उसके जीवन में भी क्या आया है ना भजन संहिता पढ़कर देखो वो क्या उसके जीवन में भी बहुत बड़ा मुश्किल है कष्ट है सकेत रास्ता बहुत कुछ है लेकिन वो कैसा छुटकारा पाया परमेश्वर को क्या कर दिया है पुकारा है उसने प्रार्थना किया है उसमें से क्या किया है हार आया क्यों ना एक बार क्या किया था क्यों ना एक बार क्या कर दिया है उसको वो बोलने क्या किधर जाने के लिए क्या था नीनवे आने क्या वो किधर चला गया था तहसील चला गया उधर कौन पकड़ा है उसको उधर योना को पकड़ने बाद में वो क्या बोलते हैं कोली चीटी डाला किसके नाम पे आया योना का नाम पे योना क्या बोला ये नहीं बोलता कि मैं प्रार्थना करूंगा मुझे पकड़ के डाल ऐसा भी विश्वासी है ना कुछ भी करो समुद्र में डाल लेकिन प्रार्थना नहीं करना है ना ऐसा भी विश्वासी है ना चल पकड़ा तो गया तेरा कारण ही इतना सब हो रहा है अभी सब डूब रहा है सब हो रहा है चलो मैं प्रार्थना करता हूँ अभी वो मान आ गया माना ने नहीं बोलता डाल दो तुम सब शांत हो जा लेकिन क्या नहीं करेगा परमेश्वर बोला तुमको करने के रखता हूँ ना मैं रुक तुम के क्या करेंगे प्रार्थना करने के रखता हूँ ना किधर लेके रखा गिराया डाला क्या उसका पहले परमेश्वर क्या कर दिया है एक बड़ा मछली का उधर क्या किया है वो अंदर निकल लिया निकलेगा तो एक मछली हो नहीं तो अम्मो वो खाएगा ना एक घंटे में हमारा खाना क्या होता है अजम होता है वैसे हमको परमेश्वर बना लेकिन ये मछली की क्या हो गया वो क्या बोलते हैं उसके जीर्ण का नहीं होता है करके डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया डाइजेशन प्रॉब्लम करके डाइजेशन होता नहीं है ऐसा मछली के कर दिया परमेश्वर अंदर कौन है यो ना इतनी जगह पर उसका पेट कितना रहेगा अंदर रखी कुछ नहीं मुंह श्वास भी छोड़ने का खत्म बराबर श्वास भी जाता है जितना है उतना जाता है उधर योना पढ़ के देखो वो किसे पुकार रहा है परमेश्वर को वचन से बता पर बड़ी मुश्किल करता तमिल में बोलता निरकति लेरंदे बड़ी मुश्किल करता ग्रह की क्या करता अभी प्रार्थना आती है प्रभु क्या करे प्रभु क्या करे देखो हमको किस किस को मुश्किल में क्यों रखा मालूम है काय के लिए तुमको प्रार्थना नहीं आते मैं करवाता ना तुमको तुमको क्या करता मैं ऐसा करने के क्या सीधा करोगे आप छोड़ेगा नहीं आप परमेश्वर छूना है आपको परमेश्वर छूना है तो आपको ऐसा स्थान में रखेगा आपको हाथ पैर क्या नहीं कर पाएंगे हिल नहीं पाएगा आपको श्वास भी जोड़ने देगा गाना निकलने नहीं देगा ऐसा परिस्थिति में रखेगा परमेश्वर लेकिन क्या करेगा अभी प्रार्थना कर अभी प्रार्थना कर अभी प्रार्थना कर प्रार्थना करना शुरुआत कर दिया ये तुरंत क्या कर दिया तीसरा दिन में ये मछली की क्या मछली खा के लिए आया इसको अच्छा मेरे को खाना मिल गया मैं इसको क्या करूँगा मस्त मिल गया एक इंसान लेकिन इसके जीर्ण ही बंद कर दिया ना मछली की एक शेर से बहुत गुस्सा है क्या किया था ये प्रार्थना इधर शुरुआत कर दिया प्रार्थना करना इधर हो गया तो मछली तुमको इसके लिए अंदर निकला क्या जाके गुस्सा से उल्टी कर दिया चल समझ गया जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे आपको परमेश्वर मालूम है प्रार्थना करना क्या नहीं फिर सिस्टर जी मैंने लगा तू योना है क्या समझ रहे हमें ऐसे ही पूछेगा ना योना है क्या प्रार्थना करो सब क्या कर देगा उल्टी कर देगा तेरा बंधन पूरा क्या हो जाएगा छूट जाएगा प्रार्थना इसलिए प्रार्थना कोई नहीं करता आपको भी वही परिस्थिति में क्या करेगा क्योंकि हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर आपको छुटकारा आप नहीं पाते आपको बांध के रखा है आप प्रार्थना करके आप खुद क्या हो जाओगे सारा क्या करना बंधन छोड़ो कोई इसको बोलने की जरूरत नहीं है हम क्या करना
प्रार्थना में बहुत प्रकार में क्या लेना है, प्रार्थना में क्या करना है, बहुत प्रकार ध्यान देना, समझ गया है। सबर भी आपको बहुत बताई दिया है, इसलिए प्रार्थना एक ही घंटा तो क्या करना है, प्रार्थना हमारा प्रार्थना रहना, भाग्य अलग है, सब बताई दे दिया है। अभी और देखेंगे प्रार्थना की जरूरत क्या पड़ती है। नेक्स्ट बात क्या है, आप इसके नीचे बहुत करके ले लेना, टाइम नहीं करके मैं तो शॉर्ट में पता क्या आ गया, अभी भी है नहीं, लेकिन अभी ले लेगा, अभी तो इतना बस काफी है। अभी प्रार्थना का जरूरत क्या पड़ती है, पढ़ो लुका 18:1, लुका 18:1। फिर उसने इसके विषय में 18:1 नहीं, सारे हैं लुका 11:1। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका, अभी थोड़ा ध्यान से सुनो। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यहूदा ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। बस ये कौन पूछ रहा है, चेला क्या पूछते हैं, यीशु के पास। यूहन्ना ने उनके चेलों को क्या किया था, प्रार्थना करने की सिखाया था ना, ऐसा हमको भी क्या करना, प्रार्थना करने की सिखा, क्यों प्रार्थना करने सिखाने के लिए उसे मांग रहा था। अभी फटाफट पढ़ते जाना एक एक लाइन में, समझ लेने का, अल्लू का 3:21 जल्दी जल्दी पढ़ते जाना, ये आपको पता ही थे लेकिन पढ़ते जा रहा। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। अभी क्या हो गया जाने दो, अभी क्यों चेले क्या किया था, यूहन्ना का चेले क्या बोला था, प्रार्थना, यीशु को चेले क्या बोलता, हमको प्रार्थना करना सीखा, ताकि यीशु ये बता दिया था आपको, बपतिस्मा लेके प्रार्थना करते ही क्या किया, आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा मिला, प्रिय पुत्र करके क्या कर दिया है, उनका नाम पर मिल गया। सेकंड पढ़ो Luke 5:16, जल्दी जल्दी पढ़ते जाना, मार्किंग करते जाना, टाइम नहीं इसलिए बाकी है। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। यीशु क्या करता था, जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया जाता था, यीशु क्या करते थे, जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना करता था। Luke 6:12, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई, परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारे रात बिताई, कितना प्रार्थना करता था यीशु, सारे रात प्रार्थना किया था। मार्किंग करके रखो ना क्या क्या करके, और Luke 9:28, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पत्रस यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना के लिए पहाड़ पर गया। साथ में चेलों के साथ क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा, चेलों के साथ तीनों के साथ क्या किया है, प्रार्थना करना लगा। और Luke 22:41 41 और वह आप उनसे अलग एक डेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। यीशु घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, यीशु कैसा प्रार्थना किया, घुटने टेक, इसलिए हम क्या नहीं करना। अभी मैं थोड़ा बैठ जाता है क्योंकि मन में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मैं कुटने डाल डाल के मेरा पैर देखे है ना, मेरा ये अड्डी ना ऐसा बेंड हो गया, ऐसा रहता है दोनों पैर का, प्रार्थना करने का अड्डी बेंड हो गया, आपका अड्डी चेक करते हैं अभी प्रभु वजन ना पैर तो नहीं, हर एक जन चेक कर ये कुटने के नीचे आपका अड्डी कैसे है, किस किस का बेंड हो गया, क्योंकि कुटने डाल के प्रार्थना करेगा ना अड्डी क्या होता है, बेंड होता है, क्योंकि ऐसे ही वो समझे। तो यीशु मसीह क्या क्या है, कुटनी डालकर क्या क्या है, प्रार्थना किया है, पहले काल में सेवा के लिए लेना तो क्या करता है, कुटनी से नीचे सब चेक करता है, क्योंकि ये प्रार्थना करने वाला रहेगा तो ही उसको सेवा क्या करता है, सोपता नहीं तो क्या कर लेता है, क्या कुटा की भगा देते हैं, जा
समझे। हाँ ठीक है, यीशु मसीह क्या किया है, घुटने डालकर प्रार्थना की है। लूक 22:44 मैं अभी घुटने डाल के अच्छा प्रार्थना करता, पहले बहुत तकलीफ, पहले तकलीफ था, अभी परमेश्वर 2-3 महीने में बहुत ये दिया, मैं उधर पूरा क्या करता, 4 घंटा भी घुटने में प्रार्थना करता है, तो बीच में बहुत तकलीफ है, यहाँ भी परमेश्वर बहुत अच्छा कर दिया। हाँ पढ़ो लूका 22:44। वात्यान संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। हाँ यीशु क्या कर रहा है, वापस पढ़ो। अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। और भी आर्थिक वेदना से क्या करने लगे, आप लोग ही वेदना है, संकट है ना, नहीं यीशु मसीह को कुछ नहीं अनुभव किया, मनुष्य बनकर क्यों आया मालूम है, हमारा सारे वेदना उसको मालूम है, प्रार्थना कर रहे कितना हम संकट उठाते, दुख सब उनको मालूम है। हाँ ठीक है, और वेदना से वो क्या किया था, वो अच्छा फिर से पढ़ो एक बार। अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। ठीक है, 23:34 तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। अभी किधर है यीशु क्रूस पर, आपको क्रूस पर टांग के रखे में प्रार्थना आएगा, बोलो ना, अतरस तो सो गया था, आप प्रार्थना करोगे, क्रूस पर टंगा के रखा, इतना मार के फिर वो क्या बोलता है, प्रार्थना करे इनको क्या करे, क्षमा करे, ये जो करते कि मालूम नहीं होता है। और लूका 23:46 और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। अभी इसमें देखने के समय यीशु मसीह सेवा का स्टार्टिंग से लेके जीवन देने तक क्या की, प्रार्थना ही की, लेकिन ये प्रार्थना के द्वारा ही यीशु इतनी बड़ी एक सक्सेसफुल जीवन शरीर में रहने पर भी क्या किया है, शरीर में रहने पर भी एक सबसे बड़ा सक्सेसफुल जीवन यीशु बिताने का सबसे बड़ा कारण क्या था मालूम है, क्या था, प्रार्थना, क्या था उनका, प्रार्थना था। ये कौन देखा मालूम है, 7 का चेला देखा, पूरा चेले क्या किया था, 7 के देखकर ही इसलिए बोला हमको क्या करना सिखा, प्रार्थना करना सीखा। सक्सेसफुल जीवन किसके अंदर है, एक प्रार्थना के अंदर है, इसलिए हमको क्या ना सीखा, क्या शैतान भगाने के लिए मत सीखा, यीशु तो बहुत काम किया था ना, कहता क्या नहीं क्या, तो ये अन गुंगा और बहरा आत्मा को क्या करता, भगा के उसको ठीक किया, और लखो बीमार की ठीक किया, और दुष्ट आत्मा को निकाला था, बड़े बड़े लेखियों पकड़ाओ को निकाला था, बीमारों को सब काम किया, साथ में था क्या नहीं चेले साथ में था क्या नहीं, लेकिन चेले क्या वो मांगना था ना, वो क्यों नहीं मांगा, हम रहते थे क्या मांगते थे, अच्छा मकना है हमको क्या करना है, प्रधान क्या कर, वरदान मेरे को बीमार चंगाई करने के क्या कर, शैतान निकलने के क्या करना, वरदान बाकी कुछ भी क्या नहीं, लेकिन चेले क्या बोलते हैं, वरन ना लेकिन इसमें जो जो लिख के रखा ना पड़ेगा इसके साथ आप डूब जाओगे ना, ऐसा हमको ना खाना ही मनता नहीं, उतनी अच्छी अच्छी बात, क्योंकि इसमें कई बात क्या कर लेते हैं, छिपा है, इसलिए ये लाइन लिख कर रखा है, इसलिए आपको बोलता है मनन करो, बाइबल पढ़ो, इसका अंदर चला जाएगा ना, आप दुनिया ही छोड़ देगा, दुनिया ही कार्य कर देगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा, पीना अच्छा नहीं लगेगा, आपको कमाई इमाई कुछ नहीं, अभी आपको ये सब अच्छा क्यों लग रहा है, आप इसके अंदर आप एकांत में चले गए,
यीशु मसीह के छोड़ के किधर चले गए, एक आंध में संसार में चले गए इसके लिए। नहीं तो क्या बोलता है, सब कर रहा है, देख रहा है, वो लोग उसमें मनने जा रहे हैं। इनका प्रार्थना सिखा, ताकि आप जितना प्रार्थना करते हैं ना, इसके द्वारा आपके जीवन क्या होती है, बहुत बड़ा सक्सेसफुल होता है, ये हमको सिखा। समझ गया? तो सिखा करके यीशु मसीह के बाद क्या करते हैं, छेले पूछते, आप क्या पूछेंगे, हम क्या बोलेंगे, देख कुछ भी कर, प्रचार 2 घंटा करके ऐसा भी सुन लेंगे, थोड़ा उधर इधर करके नहीं आसा तब ये चल जाएगा। प्रार्थना क्या नहीं करना, प्रार्थना जास्ती नहीं रखना, है ना, बोले ना, नहीं बता ना। तो आप भी बहुत अच्छे आप बैठे हैं, तो बहुत प्रार्थना करने वाला सा उपवास प्रार्थना बोले तो कोई नहीं आते, 2-3 परिवार का अलावा, वो भी नजीक रहने का जाएगा नहीं तो पूछे ही। राम नगर में आओ बोले तो कोई नहीं आता था, अभी तो 2-3 आ गया ये तो आता नहीं था, ये जिधर रहती उधर जा रही क्या, नहीं क्या करेगी, प्रार्थना क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, कुछ लोग नोवा का जैसा कि योना का जैसा किधर के डाला है मछली के में डाल के, राम नगर में तुमको जाना है, जा राम नगर में क्या करने के, आना प्रकाश, नहीं नहीं है कि नहीं है, तो आप समझ लो, तो डाल के फिर लेके आए हैं, लेके क्या किया है बैठे हैं, ठीक है। तो इधर क्या है, प्रार्थना, सबसे बड़ा सक्सेसफुल जीवन में क्या चाहिए हमारे लिए, प्रार्थना। पढ़ो वचन, पढ़ो हिब्रियानी 5 के 7 पढ़ो। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति के कारण, फिर से बोलो। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और देह में रहने के समय ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, कैसे प्रार्थना करता था, ऊंचे शब्द, फिर से पढ़ो। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रार्थना की, देखो पुकार पुकार कर आंसुओं के साथ में बड़े शब्द से। देखो आप लोगों 4-5 महीने पर ये इधर क्यों ले आता है, उधर रेसिडेंशियल एरिया इतने आप अच्छा प्रार्थना नहीं कर पाएगा खुल के। आप ये सुविधा है ताकि आप जितनी परमेश्वर से चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार का आप क्या कर सकते हैं, कोई रोकने उधर क्या करना पड़ता है, थोड़ा आवाज आते रोकाना पड़ता, नहीं तो भगा देंगे हम लोगों। इसलिए तो प्रार्थना ये क्या होते हैं, तो हमको आप सही आत्मा में प्रार्थना करेंगे आपको रोक नहीं पाएंगे, आप क्या करेंगे, चिल्लाएंगे, आपका अंदर से हम खुद नहीं कर पाएंगे, ये खुद क्या करते हैं पवित्र आत्मा हम क्या कर लेते हैं, इतनी हमको चिल्ला चिल्ला कर रो रो के प्रार्थना करने के लिए हमको क्या कर लेता है, सिखाता है, करता है। तो यीशु मसीह भी किसी प्रकार की प्रार्थना किया है, यीशु मसीह भी कितने प्रकार कैसे प्रार्थना किया है, ऊंचे शब्द से ही क्या किया है प्रार्थना, इसलिए हम भी क्या प्रार्थना करना है, इसलिए इधर बैठ के क्या नहीं करना, मंदर पढ़ नहीं है, मंदर माला घुमाओ मत, मंदर पढ़ते बैठ के कुछ कुछ अब कुछ कुछ करने के लिए क्या है, वहां से इधर कहती में कोई नहीं, कितना भी क्या करो कोई आता भी नहीं समझा, चित्रा चिल्लाएगा तो भी कोई क्या नहीं करने वाला है। क्रिश्चियन के लोग आएगा क्या नहीं करेगा, आएगा। इसलिए पहले बंदोबस्त वाला की क्या करता नहीं मालूम है, बंदोबस्त वाला को पसंद नहीं है एक आवाज के कारण, बंदोबस्त वाला को क्या नहीं है, हमारा गांव में भाड़े के लिए रूम लिया ना नहीं देता, थोड़ा बहुत चिल्लाते और चिल्लाने के तो बताए तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चिल्लाते है ना, ऐसा तो थोड़ी चिल्लाते हैं। परमेश्वर आत्मा हमें मजबूर करने के हम क्या करना करता है, अपन को ही मालूम है हम क्या कर लेते हैं, हमको कोकर हम चिल्लाते हैं, तो यीशु मसीह भी क्या करते हैं, क्या है बड़े शब्द के साथ रो रो कर क्या कहते परमेश्वर से, कहते इसलिए क्या नहीं है, कल को आप संभाले ना,
अल्लाह संभालता तो आप सही नहीं। अभी बंदोबस्त वाला क्या करता मालूम है, पहले का काल से अभी बहुत थोड़ा डिसेंट में आया, क्या बोलते डिसेंट में, उसका अच्छा शब्द बोलो, मॉडर्न स्टाइल में आया। अभी बंदोबस्त वाला क्या है, मॉडर्न स्टाइल। पहले रात तो पूरा ये लोग क्या करता बोलता था, रात तो पूरा चिल्लाएगा, रात तो पूरा हालेलुया कुछ बोले नहीं आता, भी स्तोत्र 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 बोलता, ऐसी ही बोल के तो रात निकाल देगा बोलते है ना। अभी अभी बता कितना है, एकांत में भी ले गया, हम हमारा काम ही करेंगे, हम अच्छे मजबूत क्या करेंगे, रात को अच्छा ठंडे का अच्छा खाना पीना अच्छा मिलते हैं तो क्या करें, कैसे मैंने में पिसवाया ऐसा हम भी क्या कर लेते हैं, वो भी पता ही देते सोते हैं, क्या नहीं करना क्या नहीं करना, हमको टाइम लेके आते आपको खुल जाने के लिए, आप खुल कर सब पाकर हम क्या करना है जाना, ठीक है आगे बढ़ा, क्योंकि ये प्रार्थना के द्वारा ही हमारे प्रार्थना की क्या जरूरत है, ये प्रार्थना द्वारा हमारी लाइफ क्या होती है, बड़ी बड़ी सक्सेसफुल मतलब एक विक्ट्री जीवन, क्या बोलते हैं उसका, विजय जीवन, एक बड़ा विजय जीवन क्या हो जाता है हमको मिलता है। और पढ़े अभी लुका 22:40 से पढ़ो। उस जगह पर पहुंचकर उसने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। पढ़ो हाँ, 40 पढ़े ना हाँ, उसको ऊपर का नीचे 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 पढ़ो, नीचे पढ़ो हाँ। और वह आप उनसे अलग एक डेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। अभी इसके संबंधित चारों में दिया पढ़ लेने का, अब 40 काली पढ़ो, 40 काली पढ़ो। उस जगह पहुँच कर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आप प्रार्थना करो ताकि तुम क्या कर नहीं पढ़ो, किसमें नहीं पढ़ो, परीक्षा में नहीं पढ़ो। देखो हम क्यों प्रार्थना करना है, हम आज हम विश्वासी क्या करते मालूम है, वो बंदोबस्त जीवन चले गया, हमको अभी प्रार्थना है कि क्या क्या काम है, ड्यूटी है, क्या करना पड़ेगा, ये भी एक काम क्या करें, कपड़ा धोएगा नहीं तो क्या करेंगे, कपड़ा पास मारेगा वो पहनने के नहीं रहेगा, फिर कल साथ में करना पड़ेगा करके, एक काम जैसा हम मजबूरी से क्या करते हैं, प्यार से नहीं है, मगन से नहीं है, कैसा करते है, मजबूरी से प्रार्थना करते है, ऐसा नहीं, हम क्या रहना है, एक आनंद के साथ, एक महान के साथ उनके पास क्या करना है, हम प्रार्थना करने के लिए क्या करना है, क्योंकि यीशु प्रार्थना करने के कारण क्या क्या नहीं पाया है, आप वो कुल की पढ़ लेने के बाद में, अभी इधर प्रार्थना करने क्यों करना है, इधर बोलता है तुम परीक्षा में नहीं पढ़ना तो क्या करना पड़ेगा, परीक्षा में नहीं पढ़ना तो क्या करना पड़ेगा, तो प्रार्थना में ये कभी बताया गया बता, कैंसर मने में आगे आपको पढ़ लेने का मतलब में भी उदाहरण से दिया, तो उधर ये लोग परमेश्वर क्या किया, अंतिम भोजन हो गया, फिर ये लोग किधर चले गए थे, कैंसर मने माल में सब आपको माल में अंतिम भोजन हो गया, किधर चले गए थे, कैंसर मने में उधर जाकर एक टेले फेंकने जगह पर ये लोग पेत्र पत्रस और यौहान याकूब ये लोग साथ में ले किया, फिर उधर से भी एक टेला फेंकने की जगह पर जाके उन्होंने यीशु प्रार्थना करने लगा, अब ये लोग भी बोला तुम लोग क्या करो, हाँ तो प्रार्थना करो नहीं तो परीक्षा में तुम खड़ा नहीं रह पाए, यीशु प्रार्थना करके आ रहे, ये लोग क्या कर रहा है, अच्छी तरह क्या कर रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, यीशु बोलता है एक घंटा भी तुमको क्या नहीं कर पाते हैं, जागते नहीं रह पाते हैं, और एक घंटा भी तो जागते, देखो ये सुनने क्या शब्द, एक घंटा भी तुम जागते रहकर प्रार्थना नहीं करेगा तो जागते कभी जाग रहेगा बता, जागते कभी दिन में रात को, नहीं नहीं समझ रहे, जागते हम दिन भर भी सोते हैं क्या, दिन भर भी सोते हैं, जागने के लिए क्या बोलते, क्यों बोलते, कभी जागना पड़ता है रात को ना, एक ही घंटा भी तू जागते रह के प्रार्थना नहीं करेगा तू जरूर किस में पड़ेगा, परीक्षा में पड़ेगा, समझ गया, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है आगे क्या परीक्षा रखा गया, यीशु को मालूम है शिष्यों चेलों को क्या परीक्षा रखा है, यीशु को क्या परीक्षा रखा करके आगे क्या कर रहा है,
मालूम है। इसलिए यीशु क्या कर रहा है, बार 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 जाके प्रार्थना कर रहा है। उसी प्रकार किसको भी बोलता है, चेलों को भी बोलता है, तुम एक ही घंटा भी जागते रहे प्रार्थना करो, नहीं तो तुम किस में पड़ जाओगे, परीक्षा में पड़े। लेकिन क्या नहीं कर रहे थे, अच्छा अंतिम भोजन में क्या कर दिया है, यीशु किधर उधर अच्छा खाना दबा के, मतलब रोटी मछली है ना, अच्छा खाकर सब अच्छा खाकर क्या कर रहा है, आके सो गया। अच्छा बराबर क्या करे, सो गया। बोलते है उनको आंख क्या नहीं कर पाते है, बोल नहीं पाता है, तो फिर क्या कर दिया, छोड़ दिया, ताकि परीक्षा में अभी प्रार्थना नहीं करने के कारण पत्रस क्या कर दिया है, पत्रस क्या कर दिया है, कोई सोएगा नहीं, पत्रस जागते नहीं रहने के कारण, प्रार्थना नहीं करने के कारण, तो कितना बार इनकार किया है, सवेरे के अंदर 3 बार इनकार किया है। परीक्षा में क्या नहीं कर पाते थे, खड़ा नहीं रह पाएगा। अगर आप एक घंटा भी जागते रह के प्रार्थना करने के लिए आप नहीं होते हैं, आप जरूर परमेश्वर का इनकार करने के एक दिन क्या करेगा, बता ना, वो तो प्रेरित बच गया, बोलो ना, जागते रह के प्रार्थना नहीं करे तो क्या करेंगे, एक दिन क्या करेंगे, कितना बार इनकार किया, किया नहीं किया अभी तक, आप इतने में कितने लोग अभी तक इनकार नहीं किया होता, नहीं किया बता ना, ऐसा कष्ट आता तुमको कौन जाना, चल बता ना, इनकार करके क्रूस भी मार के हम बैठे है इधर, हम बोलते बहुत बड़ा संत बैठे है, बहुत बड़ा क्या है, संत बैठे हैं, अब इनकार किए, कितनी बार इनकार किए, नहीं किया, वो क्या इनकार किया, इनको मैं नहीं जानता, उनको भी नहीं, ये नहीं, आप बोला नहीं क्या, बोला नहीं, हमको कभी कभी समय मिलता है वो जगह पे पूरा हम क्या कर लेते हैं, इनकार करके हमारा इच्छा को पूरी करके निकल जाते हैं, निकल जाते हैं, नहीं निकलते हैं, कितनी बार निकल गए हम, नहीं निकला, याद रखो ये सब आप जीवन का पत्रस नहीं है, हम कौन नहीं है, हम पत्रस नहीं है, तो हम ये सब हमारा आत्मिक जन का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, धोखा है। आप सोचते हैं इनकार करके जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, ले लेगा, आएगा जाएगा, तो यीशु मसीह क्या कर देगा, बार बार क्रूस में नहीं मार पाएंगे, एक बार हमारे लिए यीशु मसीह क्या कर दिया है, हमारा पापों को लिए क्या दिया, हो गया दोबारा आपको न्याय है, जो भी करेगा, इसलिए बोला नोवा कितना भी धर्मी हो, पिया पिया है, हो गया खत्म उधर सब, अब इसलिए सावधानी रहना, सावधानी रहना, समझ गया, दाविद विचार किया, परमेश्वर क्या बोला, तलवार तेरे घर से क्या नहीं करेगा, बच्चों को दूसरा बच्चे दिया, लेकिन क्या नहीं किया है, भुगतना है उसका, आप जितना इनकार करते हैं उनका नाम को दूषण करते हैं, हम इसको क्या करना पड़ा है, उद्धार पाने के बाद में ये भुगतेंगे, भुगतेंगे, हमको वापस क्या नहीं करेंगे, वो आके वापस क्रूस पर नहीं, हम मारते थे लेकिन वो मारने की क्या नहीं है, वापस पाप नहीं, अपना क्या करने वाला मर लिए, एक बार दोने बाद उठा नहीं पाएंगे, इसलिए क्या नहीं, परीक्षा में नहीं पढ़ना, तो हम क्या करना है, एक ही घंटा तो जागते रहे की प्रार्थना करो, जागना, दिन में जागने की जरूरत नहीं है, जागना बोले तो रात को आप एक ही घंटा, इसलिए क्या करते, 4 बजे उठो, 5 बजे हमको तो 4 बजे अच्छा नींद आते हैं, 5 बजे अच्छा नींद आता है, 6 बजे अच्छा नींद आता है, 7 बजे का अच्छा, 8 बजे इधर विश्वासी, अरे सेवक बैठा कितना 1:30 से 8 बजे तक सोते हैं, मैं रहने पर आप सोते हैं तो आप फिर घर में क्या हालत बनेगा, बिल्कुल डर रहे, मैं सोचता अरे मेरे को डरता नहीं, क्या परमेश्वर के लिए डरेगा, मैं तुम लोग छोड़ता नहीं, एक एक बात इतना कठोर बात क्या करते हैं, तो फिर भी क्या नहीं करते हैं, कितने अच्छे सोते हैं, अब तो किसको पर, किसको भी डरने वाले नहीं, सामने बैठ के पूरा क्या कर रहे हैं, थोड़ी परमेश्वर को डरने वाले, समझ रहे ना, कितने सोते, कितना सोता है। और मैं एक बात पूछता है, सवेरे आप प्रार्थना करते हैं, ठीक है, आपको प्रार्थना करने के बाद में आपको नींद किसी प्रकार आते है, वो भी बताओ मेरे को, प्रार्थना करने के बाद नींद किसी प्रकार आता है, आप वो प्रार्थना नहीं करते, सो रहे अर्ध है, पत्रस जैसा अर्ध नींद तक किधर आज पहुंच गया है, अर्ध नींद में किधर पहुंच गया है, रोध के कर तक क्या कर दिया है, आप पहुंच गया, इसलिए अर्ध नींद में ना
कभी छोड़ेगा, एक घंटा कभी होएगा, ऐसा कोई भी ना कीड़ा जैसा इसलिए पीछे बैठ के मैं ऐसा करके मैं गया खत्म। मैं बोलता तुमको नींद कैसा आता है, आगे निकलते ना प्रार्थना करने से क्या क्या मिलती है, तो आपको और होगा प्रार्थना करो और क्या करो और प्रार्थना करो और प्रार्थना करो और प्रार्थना करो। मैं बोला प्रार्थना में देखो एक ही घंटा में सवेरे प्रार्थना खत्म नहीं करने का, परमेश्वर आत्मा से लोग अच्छा भरकर प्रार्थना करते और चला रहे, कौन भर के प्रार्थना करेंगे, एक इसलिए एक घंटा में क्या कर लेते खत्म कर देते। बात समझ रहा, आपको प्रार्थना करने के बाद सब नींद आ रहा है, ये प्रार्थना गलत 100%। मैं भी तो करती हूँ ना, मैं भी क्या कर लेता है 3 बजे 3:30 4 बजे जब भी उठाई देता वो टाइम क्या लेता उठ के प्रार्थना करता है, और मेरे को और क्या करते हैं और करो 8 बजे तक क्या कर लेते हैं उठता नहीं है, तो हमको नींद आता तो ये तो बहुत झूठा प्रार्थना। ये कौन सा प्रार्थना है, इसके बारे में भी कल पवित्र आत्मा बारे में बताएगा ना, तभी आपको प्रार्थना का ये तंत्र मंत्र बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, क्या करना है, जाते रहे कि प्रार्थना नहीं करेगा आप जरूर एक दिन क्या करेगा परीक्षा में पड़ेगा। प्रिय सिस्टर मेरा पति ऐसा बोलते क्या करना पड़ेगा, अभी मैं बोलता छोड़ दे इसका मतलब क्या है, तुम प्रार्थना मेरा भी इतना दिन हो गया 33 साल में किसके पास आके पूछा, आज तक मेरा पति बोलता है मेरा बच्चे ऐसे हैं तो मैं छोड़ू क्या करूं, कभी कुछ मेरे मन से कुछ भी शब्द आया, मेरे जैसा कष्ट आप उठाते आज तक क्यों, प्रार्थना करते मेरा परमेश्वर मुझे क्या बनाते है बना देते। दाविद को साउल तो क्या कर दिया है, साउल तो दाविद का ऐसे ही घुमाता है, वो एक साइड एक बार क्या कर दिया है, इसके साथ के 400 जन उसको भी क्या कर दिया है, दूसरे राजा आके क्या कर दिया, पूरा लेके चला गया सब जन इसके साथ गया। लोग बोलते तू अभी मेरा पत्नी बच्चे के लेके देता है क्या, तुमको पत्रा करूं दाविद को साथ लेना, सब मेरा मुंह देखते है जना है कि नहीं पढ़े पढ़ो सामने ढूंढ के पढ़ो सामने दूसरा, तो क्या करता है सब पत्रा होकर कड़ा, दाविद इतना रोया अभी साउल को बचने के लिए, ये 400 लोग के साथ मैच चल रहा है इधर भी क्या कर दिया है, ये लोग भी दूसरे जगह पे ही गया था लड़ाई के लिए, उसके बाद इसके बच्चे को सब क्या कर दिया, पति पत्नी सब लेके गया, ये लोग कड़ा अभी हमारे पत्नी को क्या करना बच्चों को ले, अभी क्या करे रोया परमेश्वर में, लेकिन क्या कर दिया फिर डाडस बात कर गया बाप को सब क्या कर दिया है, एक भी कमी के बगैर क्या कर दिया है, दाविद लौटा कर ले क्या है, क्यों प्रार्थना का कारण, उसका दाविद क्या थे प्रार्थना जीवन था, चलाता था जराता था, लेकिन बेड बकरिया उधर क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे वीणा बजा कर क्या कर लेते थे, आप ही करा ना ऐसा कल बोल रहे ना, मैं बेड बकरिया चराता था इसलिए प्रार्थना नहीं करने के लिए उतर था, करो दाविद के जैसा लेके जाओ कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन बजा के क्या करो, गीत गाते का तो आत्मा में वर्ग प्रार्थना करो, समझ रहा है। तो आप एक दिन क्या करना पड़ेगा, बहाना बताने के समय आपके जीवन में आएगा तो मैं समझ लेगा परमेश्वर समझ लेगा, ये एक ही घंटा भी जागते रहे कि प्रार्थना नहीं करने के कारण परीक्षा में पड़ गया ये इनकार कर रहा, समझ गया बात समझ रहे ना आपको, लेकिन क्या करना पड़ेगा जागते रहे कि क्या करना पड़ेगा, अभी आपको नींद बींद को थोड़ा क्या करने क्या साइड में रखे साइड में कि कौन कौन 5 बजे प्रार्थना करते इधर से जाने बात बताओ सही से बताओ क्या करेंगे बाकी इधर में कौन 5 बजे प्रार्थना करते हैं रोज उठते हैं कर पे 5 बजे कौन कौन उठते नहीं प्रार्थना करते हैं वो भी बताए कल पांच बजे कोई नहीं उठ के प्रार्थना कर रहे, देखो 5 बजे प्रार्थना कर के बैठ नहीं पा रहे,
तो 5 बजे कोई नहीं उठ के प्रार्थना करने करते है? करना 5 बजे हैं ठीक है ठीक है। अब लेकिन करने के सीखने का 5 बजे बोला तो कितना जल्दी सोने का 4 बजे उठने का 4 से 5 करने का 5 बजे बाद में तैयारी होने का ये आप लोग करना है। जल्दी सो जाने के कितने बजे उठने का 5 बजे तैयार होना माल में स्कूल का 4 बजे से करो ना प्रार्थना। ये तो एक दिन क्या करेंगे आओ और सुनो अभी बोला बपतिस्मा देना तो 3 महीना के अंदर क्या होना है ऐतरात्मा भरपूरी पाएगा करके रहेगा तो बपतिस्मा। और जितने लोग बपतिस्मा बाकी कितने लोग ऐतरात्मा नहीं पाया हाथ उठा बपतिस्मा पाए लोग पैतरात्मा का भरपूरी कौन कौन नहीं पाया हाथ उठा। आप बपतिस्मा लिया हुआ मैं उठा हाथ उठा पैतरात्मा भरपूरी। अभी जो जो नहीं पाएगा आपको भी 3 महीना देते कितना महीना 3 महीना में आप क्या करेंगे नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना देते हैं 3 महीनों कल में इसके बारे में सब बच्चा बता ही देंगे पैतृकात्मा क्या जरूरत है पैतृकात्मा क्या चीज है ये बता ही देंगे। तो आप जरूर क्या करना पड़ेगा पाएगा नहीं फिर प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे समझे। तो ठीक है इसलिए अभी क्या करने गया रात को प्रार्थना करना क्या नहीं करना जागते रहे की प्रार्थना करना। अब ये नींद सब छोड़ो।